नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिंड के लहार विधानसभा से अमरीश शर्मा गुड्डू को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर वे प्रथम नगर आगमन पर अपने विशाल काफिले के साथ भिंड पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अमरीश शर्मा का ढोल नगाड़े और पुष्पों की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लश्कर रोड पर उनके समर्थकों ने फलों से तोलकर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। उनका यह काफिला लश्कर रोड होते हुए गृह क्षेत्र लहार पहुंचा। वहीं आपको बताते चले कि भिंड के लहार विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है। यहां से मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह लगातार सातवीं बार के विधायक हैं। उनको मात देने के लिए भाजपा ने युवा चेहरा अमरीश शर्मा गुट्टू को मैदान में उतारा है। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। माथान्ता विधानसभा के विधायक नारायण पटेल अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार भूमि पूजन कर जनता को सौगात दे रहे हैं। बता दें कि विधायक नारायण पटेल ने राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भगवानपुरा और भुरलाए गांव में 29 लाख रूपये की लागत के विकास कार्यो का भूमि पूजन किया और सामुदायिक आदिवासी भवन, रोड निर्माण, आंगनबाड़ी भवन, सीसीसी रोड सहित अन्य सौगातें दी। वहीं ग्राम में विधायक और राज्य मंत्री का ग्रामीणों ने फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए जनता को फिर से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। भुल्ला से शुरू किया है, भुल्ला में 10 लाख रुपए भवन का भूमि पूजन किया, वहाँ 3-4 लाख की नाली का भूमि पूजन किया। ऐसे ही यहाँ पे आए हैं, यहाँ उचित मूल्य की दुकान का भूमि पूजन है और यहाँ से लगाकर चौराहे तक रोड का भूमि पूजन है और इसके बाद 3-4 गांव का मेरा और दौरा है अटूट का। पुनासा में सिंगाजी परियोजना मेंटेनेंस के दौरान फैज को 2 टर्बाइन के स्ट्रेरर की लाखों की लागत की सेल्स करीब 5 दिन पहले गायब हो गई है। सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने जब एफआईआर की बात कही तो सेल्स गायब करने वालों ने चुपचाप सेल्स को नाले के पास लाकर रख दिया था। सेल्स मिलने से अधिकारियों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन अब सवाल मेंटेनेंस का काम कर रही मधु कंपनी उठने लगे हैं। साथ ही ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि सेल्स गायब होने के पीछे मधु कंपनी की मिलीभगत है। बता दें कि बगैर सेल्स के टर्बाइन चालू नहीं हो सकती है और सेल्स को सिर्फ विदेश से ही मंगाया जा सकता है, जिसमें लाखों का खर्चा आता है। हालांकि सेल्स के मिलने से अब अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। रायसेन से बड़ी जानकारी, कक्षा 3 की छात्रा की मौत कुएं में डूबने से छात्रा की मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कुएं में नहीं थी, चारों तरफ से बाउंड्री, स्कूल के पास बना है कुआं, नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कुएं में डूबने से छात्रा की मौत और कुएं में नहीं थी, चारों तरफ से बाउंड्री, स्कूल के पास बना है कुआं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही, अहम खबर आपको बता रहे रायसेन से, कक्षा 3 की छात्रा की मौत और कुएं में डूबने से छात्र की मौत हुई है। कुएं में नहीं थी, चारों तरफ से कोई भी बाउंड्री। तो कक्षा 3 की छात्रा की कुएं में डूबने से मौत हुई है और कुएं में डूबने से छात्रा की मौत, जहां कुएं के चारों ओर कोई भी बाउंड्री नहीं थी, जहां कक्षा 3 के एक छात्र की मौत। छिंदवाड़ा की तारा कॉलोनी में भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान चल समारोह में शामिल ट्रैक्टर ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे उसमें सवार 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई। कोतवाली टीआई के मुताबिक मृतकों में तारा कॉलोनी निवासी संजय चोरे और राहुल ठाकुर की मौत हुई। वहीं पातालेश्वर निवासी मोनू बुरी तरह से घायल हो गया, मोनू का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं छिंदवाड़ा छोटा तालाब के पास शनिवार रात करीब 9:15 बजे गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान गढ़रीढाना के युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद में धारदार हथियार से हमले में एक युवक की जान चली गई। वहीं 2 युवकों के पेट और छाती में घाव आए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया।
खबर बड़वानी से है, जहां धूमधाम के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन हुआ है। गणेश जी की प्रतिमाओं को गाजे बाजों के साथ और डीजे की धुन पर विसर्जन करने के लिए नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए हजारों की संख्या में भक्तजन राजघाट पहुंचे, जहां गणपति की विदाई में सभी श्रद्धालुओं के चेहरे थोड़े से मायूस लगे। आरएनटीवी से बातचीत के दौरान छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं ने बताया कि गणपति बप्पा अब उनके गांव से जा रहे हैं, उन्हें काफी बुरा लग रहा है और सभी बाबा को अगले बरस तो जल्दी आना के लिए जयकारे के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश सला से। आरएनटीवी आ गया है बड़वानी के राजघाट में। मेहमान के रूप में गणपति बाप्पा आए थे, आज उनकी विदाई है। भक्तों से जानेंगे क्या सोचते, 10 दिन अपने गणपति बाप्पा आपके पास थे। गणपति बाप्पा आज जा रहे, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। बोले बुरा लग रहा है। लड्डू वड्डू खिलाए गणपति बाप्पा को? हाँ। अब मेरे साथ कुछ और भक्त, उनसे बात करेंगे। गणपति बाप्पा जा रहे, कौन बोलेगा? कैसा लग रहा है गणपति बाप्पा की विदाई? आज बहुत ही बुरा लग रहा है। गणेश जी हमारे साथ हमारे परिवार के जैसे रह रहे थे इतने दिनों से, लेकिन आज वो जा रहे हैं हमको छोड़ के, बहुत ही बुरा लग रहा है। 10 दिन कैसे निकले उनको हमको पता ही नहीं चला। गणपति बाप्पा का जय घोष लगा रहे हैं और कुछ और भक्त जो बोलेंगे गणपति बाप्पा को लेकर, बोलिए। गणेश जी 10 दिन हमारे घर में रहे, हमने उनकी पूजा अर्चना की, जा रहे हैं ये तो बुरा लग रहा है, लेकिन गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी को खुशहाली दे, समृद्धि दे और अगले वर्ष ऐसे ही खुशी खुशी हम गणेश जी को वापस बुलाएं। एक और बालिका है नन्ही सी, गणपति बाप्पा के साथ काफी आकर्षक लग रही है। गणपति बाप्पा अपने घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। 10 दिन गणपति बाप्पा के लड्डू खिलाए। क्या नाम है आपका? वेदिका। वेदिका है जिसको काफी बुरा लग रहा है, और कुछ कहेंगे गणपति बाप्पा के लिए? बोलिए ना। नहीं। गणपति बाप्पा मोरिया बोल दीजिए। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। आप कितने अच्छे तैयार है, देखिए। वेदिका कौन सी क्लास में है आप? सेकंड। वेदिका थी मेरे साथ जिसको बुरा लग रहा है, गणपति बाप्पा उनके घर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। तो भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास भवन का लोकार्पण किया है, जिसके बाद सीएम ने कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। Yeah.
आज
We'll
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब देते हैं। देश प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।